हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो देर इज अ डेवलपमेंट रिगार्डिंग आधार अनरिलायबल, आधार बीइंग अनरिलायबल। देखते हैं क्या आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया। तो हॉट ह्यूमिड इंडिया में ये अनरिलायबल है, ऐसा बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? एक रेटिंग एजेंसी है, वो बोल रही है। चलिए देखते हैं क्या है। ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। तो ये मूडीज इन्वेस्टर सर्विस आपका ग्लोबल रेटिंग है, मतलब एक कंपनी है जो मेजर, मतलब बड़ी कंपनी। हैज़ फ्लैग कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटीज इन सेंट्रलाइज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सच एज इंडियाज आधार प्रोग्राम। तो ये टारगेट कर रहे हैं सेंट्रलाइज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को, और बोल रहे हैं वहाँ पे जो प्राइवेसी होगी वो आपकी बहुत वल्नरेबल है, मतलब बिल्कुल सेफ इतनी अच्छे से नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया का आधार प्रोग्राम हो गया। द यूनिक आईडी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूआईडी, जिसको बोलते हैं यूआईडी आधार। आप आधार कार्ड निकाल के देखिए, वहाँ पे नीचे में यूआईडी नंबर होगा। यूनिक आईडी सिस्टम ऑफन रिजल्ट्स इन सर्विस डिनाइल्स एंड यूजिंग बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज इन ह्यूमिड कंडीशन इन इज अनरिलायबल। तो बोल रहे जो ह्यूमिड कंडीशन जैसे इंडिया में कभी कभार होता है और होते ही रहता है, वो सही नहीं है। तो देखते हैं क्या। द आधार सिस्टम इनेबल्स एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज विथ वेरिफिकेशन थ्रू फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैन एंड अल्टरनेटिव सच एज वन टाइम पासवर्ड। तो आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, आंख का स्कैन होता है, और फोन पे आपके ओटीपी आता है, तब ये उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज होती है। हाउएवर इट फेसेस हर्डल्स। क्या है हर्डल्स? इंक्लूडिंग द बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑथराइजेशन एंड कंसर्न अबाउट बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी, ऐसा मूडीज ने बोला है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, अथॉरिटी ऑफ इंडिया का AI, एडमिनिस्टर्स आधार एमिंग टू इंटीग्रेट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड एक्सपेंड वेलफेयर बेनिफिट्स एक्सेस। तो मतलब इनका यह है कि वेलफेयर बेनिफिट्स इसको किसको, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी मिले, वहाँ तक इसलिए आधार जरूरी हो जाता है। आप देखिए ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होते हैं, ये सारे आधार से भी लिंक्ड होते हैं आपके। और इंडिया में आधार है तो आपका वेरिफिकेशन का कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप जाइए आधार आपके लिए मतलब एक नेसेसरी चीज़ है। तो यहाँ पर भी बात हो रही है। द सिस्टम ऑफन रिजल्ट्स इन डिनायल एंड द रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर दी मैनुअल लेबरर्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इज क्वेश्चनेबल। तो जो यहाँ पे इन्होंने बात किया किसका, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, ठीक है, और यहीं पे फिर बात आ जा रही है आपके मैनुअल लेबर्स की जो काम कर रहे हैं हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में, तो ये उसके लिए रिलायबल क्यों नहीं है। द रेटिंग एजेंसी रिमार्क्स एज्यूम सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट्स अडॉप्शन ऑफ आधार फॉर राउटिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये इसीलिए यूज होता है कि जैसे किसी को बैंक में ज्यादा तुरंत, मतलब ज्यादा क्या, तुरंत मिडिल मैन नहीं है, आपका आधार सबमिट है बैंक गवर्नमेंट के पास, आपके गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके आधार से लिंक्ड आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर पैसा भेज रही है, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है। जैसे आपको 700 रुपया मिलना है तो 100 रुपया वो ले ले और आपको 600 रुपया दे, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अब तो ये वही बात हो रही है। ट्रांसफर टू बेनिफिशियरीज ऑफ ऑफिशियल वेलफेयर स्कीम। देखिए ऑफिशियल वेलफेयर स्कीम एंड इन पर्टिकुलर द दिक्कत टू मैंडेट आधार बेस्ड पेमेंट फॉर लेबरर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दैट इज मनरेगा वाला। लास्ट मंथ द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट्स डेडलाइन फॉर स्विचिंग टू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS फॉर मनरेगा MGNREGA बेनिफिशरीज फॉर द फिफ्थ टाइम, पुशिंग इट टू December 31 दिस ईयर। तो उसको गवर्नमेंट पुश कर रही है MGNREGA वालों को कि भाई ये सिस्टम अडॉप्ट करो, और इस साल फिफ्थ फिफ्थ टाइम इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, डेट इज 31 दिसंबर 2023। इन ए रिपोर्ट ऑन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स इशूड ऑन सैटरडे, मूडीज एक्नॉलेज आधार एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम। तो पॉपुलेशन इंडिया का आप लोगों को पता ही है, तो ये हो जा रहा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम दैट असाइंस यूनिक नंबर टू ओवर 1.2 बिलियन इंडियन रेसिडेंट्स। तो 1.2 बिलियन इंडियन रेसिडेंट्स का इस पे यूनिक नंबर अभी हो चुका है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम हो चुका है। ऐसा किस रिपोर्ट में बताया जा रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स रिपोर्ट में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए किस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है। द रेटिंग एजेंसी नेम्ड आधार एंड द न्यू क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी टोकन कॉल्ड वर्ल्ड लाइन
as a two digital ID system in the world that stand out due to their scale and extent of innovation. ठीक है, तो दो है, आप देखिए, एक तो आपके आधार पेमेंट है, ये आपका वन हो जाए, आधार पेमेंट कह रहा हूँ, एक तो आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और दूसरा आप देखिए वर्ल्ड लाइन, तो ये दो ही आईडी है, ठीक है, ये दो आईडी है आपके अभी, डिजिटल आईडी सिस्टम है, ठीक है, ये अपने स्केल के लिए, मतलब कितने बड़े स्केल पे कितने लोग जुड़े हुए, और दूसरा अपने इनोवेशन की वजह से ये स्टैंड आउट करते हैं वर्ल्ड में. हाउएवर मूडीज ऑल्सो सेड दे हैव ड्रॉन स्क्रूटनी स्पेशली कंसर्निंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. तो मूडीज को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से. स्ट्रेसिंग दैट आईडी सिस्टम लाइक आधार लीड्स टू अ कंसंट्रेशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद स्पेसिफिक एंटिटीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेटा ब्रिचेस. तो आप देखिए, आधार में आपका सब कुछ दिया हुआ है. अब जैसे आपने आधार से अपना पैन लिंक कर दिया, आधार से अपना बैंक लिंक कर दिया, आपका एड्रेस है ही, आपका फ़ोन नंबर, ओटीपी आ रहा है तो वो भी लिंक है, आपके फादर के डिटेल है उसमें, आपके फादर के एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, और फादर का नाम अगर उसमें है तो उस नाम से आप अपने आपके फादर को ट्रैक किया जा सकता है, तो उनके बैंक डिटेल, उनके नंबर, उनका नेम, उनका पैन, उनका एड्रेस. तो अगर मुझे एक चीज़, एक आदमी का यूआईडी मिल जा रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जा रहा है मुझे, तो आप देखिए मैं उसके पेरेंट्स तक पहुंच जा रहा हूँ, और उस उनके पेरेंट्स में आप देखिए उस नाम में फिर उनकी स्पाउस का भी हो जाएगा. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बता रहे कंसंट्रेशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, कंसंट्रेशन मतलब एक जगह रखा गया है, तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी सही नहीं है, बस डेटा ब्रीच हो सकता है. मूडीज का बस इतना ही कहना है, उनका मेन कंसर्न ही प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है. ठीक है, मूडीज मेड अ पिच फॉर डिसेंट्रलाइज आईडी. ठीक है, डिसेंट्रलाइज आईडी की ये बात कर रहे हैं, ये तो अभी सेंट्रलाइज आईडी है. सिस्टम सच एज डिजिटल वॉलेट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज दैट गिव यूजर मोर कंट्रोल ऑफ देयर प्राइवेट डेटा एंड कैन रिड्यूस ऑनलाइन फ्रॉड. तो इनका बस ये कहना है कि भाई इसको सेंट्रलाइज जो है, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन को हटाओ, इसको डिसेंट्रलाइज बनाओ, तो ऑनलाइन फ्रॉड से भी हम उससे बच सकेंगे. तो डिसेंट्रलाइज आईडी, डीआईडी, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है. देखिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है. इन रिसेंट ईयर द स्पॉटलाइट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डीआईडी दैट इज डिसेंट्रलाइज आईडी एज अ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटीज पोज्ड बाय सेंट्रलाइज आईडी सिस्टम्स लाइक आधार द एजेंसी नोटेड. तो वो बोल रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में डीआईडी की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए ऐसे प्राइवेसी आपका वल्नरेबल नहीं होगा, ऐसे कुछ होगा उसका, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही में सारा डेटा है, वहाँ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है. ठीक है, अब देखते हैं क्या है. साइटिंग सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग इतना ठीक है, ये तो यहाँ बताया जा रहा है. एस्टोनिया नोन फॉर इट्स फुल्ली डिजिटलाइज पब्लिक सर्विसेज हैज एम्ब्रेस्ड एसएसआई सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी. सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी क्या है. टू ग्रांट सिटीजन कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर डिजिटल आइडेंटिटीज इट पॉइंटेड आउट. तो आप देखिए एस्टोनिया इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एसएसआई सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन ए सेंट्रलाइज सिस्टम अ सिंगल एंटिटी सच एज अ बैंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट इलेक्टोरल रोल कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द यूजर्स आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल एंड देयर एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज. ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है, या तो बैंक, या तो सोशल मीडिया, या तो गवर्नमेंट का इलेक्टोरल रोल, यहीं पे सारे डेटा आपके सिटीजन्स के होते हैं. डेट एंटिटी कैन डिस्पोज ऑफ द यूजर्स आइडेंटिटी डेटा, नेम, एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटरनल और थर्ड प्राइवेट थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग पर्पस, आप तीसरे पार्टी को बेच रहे हो, मतलब रिपोर्ट एवरेज स्टेटिंग डेट सच सिस्टम ऑफर द लीस्ट पर्सनल डेटा कंट्रोल टू यूजर. तो ये यहाँ पे अब सही बात है कि हमारे पास लीस्ट पर्सनल डेटा कंट्रोल है, हम अपने डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो देखते हैं अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. देखिए सबसे पहले आधार, ठीक है, आधार, यूआईडी, ठीक है, इसका आपने पीछे पढ़ा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है, ये सेंट्रलाइज्ड है. ठीक है, ये आपका सेंट्रलाइज्ड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है. ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, इसमें कितना है, 1.2 बिलियन है सिटीजन ऑफ इंडिया है इसमें. आप देखिए उसके बाद से अभी इसमें किस लिए यूज़ होता है, ये वेलफेयर के लिए यूज़ होता है. ठीक है, और
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बैंक्स में यूज होता है, और किसके लिए? मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, ठीक है? आप मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए होता है। उसके बाद देखिए, इसके साथ जो वर्ल्ड में दो ही सिस्टम है, एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा, आप देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था किधर गया, वर्ल्ड लाइन, ठीक है? ये इसके साथ का है। दोनों फेमस किस लिए हैं? दोनों इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें इनोवेशन है, ठीक है? एक तो इनोवेशन है दोनों में, दूसरा स्केल है, मतलब लार्ज स्केल जैसे इंडिया का हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मूडीज ने इसको बोला है कि ये क्या है, प्राइवेसी वल्नरेबल है, ठीक है? यहाँ पे यूज़र को पर्सनल डेटा, जो आपका पर्सनल डेटा है, उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे यही बात हो रही है। अब आप फोर्थ देखिए, क्या बात हो रही है? ये सेंट्रलाइज्ड मैंने बताया, बात हो रही है एक डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है? कि डिसेंट्रलाइज्ड जो है वैसा डिसेंट्रलाइज्ड आईडियलाइज्ड है, तो ये हो गया आपका डीआईडी। और एक फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है एस्टोनिया का, ठीक है? एस्टोनिया में क्या है आपका? SIS। SIS क्या हो गया? SIS नहीं, SSI, सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी, ठीक है? ये आपका SIS है। और ये क्या देता है आपको? ये आपको पर्सनल डेटा कंट्रोल देता है, ठीक है? यहाँ पर ये हमें नहीं मिल रहा है, और ये कहीं भी यूज हो सकता है, इसका फ्रॉड हो सकता है। जो मैंने आपको समझाया कि एक मेरे आईडी से आप मेरे पेरेंट्स के आईडी तक जा सकते हैं, मेरा बैंक अकाउंट मेरे पापा का बैंक अकाउंट, फिर मेरी मदर की डिटेल्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर मदर से आप नाना जी तक जा सकते हैं, या अगर उसमें वाइफ का नाम, अरे हस्बैंड का नाम है, तो आप फादर तक जा सकते हैं। तो आप देखिए, आप मेरे आईडी से आप चाहें तो हर जगह जा सकते हैं। तो और अगर फादर में पापा, उनके फादर का नाम है, तो आप मेरे ग्रैंडफादर तक जा सकते हैं, उनके डिटेल्स ले सकते हैं। तो आप देखिए, एक तरीके से आप एक बंदे को उठाओ और आपको पूरा फैमिली मिल जा रहा है, तो उसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो आपका फिंगरप्रिंट है और आयरिस स्कैन है, तो ह्यूमिड कंडीशन में ये जो आपके लेबर्स काम करते हैं उनके लिए शायद ये हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार डिनाइल आ जाता है आपका आधार वेरिफिकेशन में। तो बस यही इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, एंड आई जस्ट वांट टू से कि वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।